हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग हैं एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे और एक बार जाके ग्रुप पे इन्फॉर्म भी कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। क्या सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? सब कुछ क्लियर है? बैटरी लो है। नानी का फोन ले आओ, नानी फोन ले आओ। चलिए क्लास स्टार्ट की जाएगा। एक बार आप में से कोई जाके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो तो बाकी लोग भी आ जाएं, मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। ऑल राइट, चलो। अ वेरी गुड इवनिंग विक्की, पंकज, रोशनी, हर्षित, सोनल। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, कल्पेश। सब लोग बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नहीं। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्लास में आते हैं, है ना। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग भले कितना भी पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मोटो जो हमारा है वो है टाइम वेस्ट ना हो, ना आपका ना मेरा। तो जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का ये है, प्रपत्र के सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला गया है इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दो प्रकार के सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है किसके बारे में बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में। फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ अ वोल्टेज सोर्स ए स्लैश एन स्पेस स्पेस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। मतलब वोल्टेज सोर्स में डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम किस एलिमेंट का यूज करते हैं जो कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्या बोलोगे आप लोग इसका आंसर? सभी लोग अटेम्प्ट करिए। नानी का टैब ले आओ। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, इंडक्टर, चार ऑप्शन आपके पास है। आप लोगों ने, पहले मैं आप लोग का आंसर देख लेता हूं, आप लोग क्या बोलते हो बताओ भाई। वोल्टेज सोर्स के साथ में हम किसको कनेक्ट करेंगे जो कि डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सोर्स को ब्लॉक करेगा? हर्षित, सोनल बी बोल रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, है ना, कि एक मीम्स समझते हो आप? मीम्स क्या होता है आप इसको समझते हैं? मीम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ मीम्स बने हैं, है ना। एक जैसे मैं बताता हूं कि एक मीम्स बना हुआ है ऐसा कुछ कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और बोलते हैं कैसे, मान लो डीसी ऐसा होता है पर एसी कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाता हूँ मैं, एसी आपका ऐसा होता है। तो बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी जाएगा तो यहाँ पे अटक जाएगा प्लेट में, और एसी रहेगा तो वो आराम से ऊपर निकल जाएगा। ये एक मीम्स में है ना, मतलब ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि हमको पता है ना, सभी को पता है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। भाई डीसी को क्या करता है? वो ब्लॉक करता है, और एसी को क्या करता है? वो अलाउ करता है, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर को यूज करते हैं जो कि डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है ना। इसका आंसर ए होगा। आप लोग कैसे बी में पहुंच गए यार? हालांकि ये रीजन नहीं है जो मैं यहाँ पे दिया, ये एक मीम्स है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमको कुछ भी करके आंसर याद रखना, चाहे मीम्स हो, सही हो, गलत हो, जो भी तरीका हो, सभी तरह से हमको अपना आंसर याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बताएंगे सभी। 2000 ओम 2 वॉट रजिस्टर, मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस है और उन रजिस्टेंस की दो रेटिंग दी गई है, पावर रेटिंग भी दी गई है और आपकी रजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है, ओके। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो उनके जो कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू होगी और वॉटेज रेटिंग होगी वो क्या होगी?
आप सबको पता है दो रेजिस्टेंस हैं, दो दो हजार ओम के हैं, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000 ओम। वेरी गुड। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाता है, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस हैं दोनों पैरेलल में हैं तो पावर हमेशा क्या होती है, तो पी इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 वॉट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। थ्री रेजिस्टेंस 6 ओम, क्या कौन कौन सी वैल्यू है, 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, समझ में आ गया। शेयर अ लाइन करंट ऑफ 6 एम्पियर, ये भी समझ में आ गया। द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर विल बी। क्वेश्चन कैसा है वो देखो, आपके पास बोला जा रहा है कि 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है भाई, और कितने कितनी वैल्यू के हैं, एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 2 ओम का है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, दैट इज योर 6 एम्पियर। तो हमको बताना है इस 3 ओम में कितना पावर होगा। सबसे पहली बात, हम जो 6 और 3 इनका इक्वल कितना होता है 2, और 2 पैरेलल 2 इसका इक्वल कितना हो जाएगा 1। मतलब इसका जो टोटल इक्वलेंट आएगा, इसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा 1। और जब 6 एम्पियर यहाँ पे करंट जाएगी तो कितना वोल्टेज होगा, 6 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो मुझे पता चल चुका कितना है यहाँ पे, दैट इज योर 6 वोल्ट, है ना। पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, सभी को पता है। तो जब ये 3 ओम में मुझे पावर निकल तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है आपके पास, 6 वोल्ट। जब मुझे वोल्टेज पता है, रजिस्टर पता है, क्या पावर नहीं निकाल सकता मैं, बिल्कुल जरूर निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, V²R। वोल्टेज कितना है आपका 6, 6 × 6/3, तो कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 36/8, 18। 6 × 6 कितना होगा, 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 6। वेरी गुड। ÷3 डिवाइड नहीं पड़े अभी, हाँ पढ़े हो। 18 / 3 कितना होगा, 18। डबल क्लास चल रही है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग करेंगे। द करेंट थ्रू ZL, ये आपके पास ZL है, इन द सर्किट सोन बिलो इस ZL में कितनी करंट होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। खुद से लगाओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखता हूं आप लोग क्या ट्राई करते। वेरी गुड। इसमें 7 की टेबल लिख के देखो, 7। हाँ आंसर आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को देख के पहले समझना है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखो पहली बात तो बता दूं, ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, आवाज नहीं कर, ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, क्योंकि ये क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे बोलना चाहिए क्या था क्वेश्चन में, द करेंट थ्रू जेडल इन द सर्किट सोन बिलो फॉर मैक्सिमम पावर, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेडल है और ये आपका वेरिएबल है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम पावर के लिए क्या वैल्यू रखेंगे, 10 - j20। तो हमको करंट बतानी, कितनी करंट होगी बताओ जेडल में, I इक्वल कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 50 ∠0 / 10 + 20j, है ना, +10 - 20j, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 50/20 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट था, पर तब भी हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन डिमांड क्या करता है, ठीक है। देख लिए
9:35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन पे देखो क्या आंसर होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इनेबल्स अ नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इन टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। मतलब ऐसा कौन सा थ्योरम है जो हमें ये बताता है कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम कंबाइंडली एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार बोला गया, एक बार इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। क्या इसका आंसर? नहीं बाबा, नहीं 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 अच्छा ओके, और करंट सोर्स। ओके ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पे करंट सोर्स भी बोला गया है ना, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स बिल्कुल सही बोला गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलमेंस थ्योरम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मिलमेंस। मुझे लगा सिर्फ वोल्टेज सोर्स होगा तो थेवनिन होता, हालांकि थेवनिन ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे करंट सोर्स को हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रख दिया जाए तो आंसर हमारा क्या होगा वहां पे? थेवनिन होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। 12 की टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय सीरीज आरएस बाय सीरीज सर्किट इज कॉल्ड एज। मतलब मेरे पास एक आरएल सर्किट है, इसमें जो टोटल मुझे करंट को जो अपोजिशन मिलेगा, इसमें मुझे करंट को जो अपोजिशन मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? इंपीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। तो क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपीडेंस, ए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। ट्वेल्व एट जा 91। अच्छा याद करो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाल देता है ना। मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन ना डाले, बट तब भी लोग क्वेश्चन डाल ही देते हैं। क्वेश्चन क्या है? टोटल पावर इन थ्री फेज सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हमको थ्री फेज पावर में टोटल पावर बतानी है। और जब कभी टोटल पावर की बात होती है, मतलब वो किसके बारे में बात करते हैं? एक्टिव पावर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी P थ्री फेज क्या होगा? रोड थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव सी। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन देखो क्या भाई, इस क्वेश्चन को देखो समझो, बताओ सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? एसी सीरीज आरएल सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3 ओम, द इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट विल बी। क्या होगा इसका आंसर सभी लोग बताओ? इसका आंसर क्या होगा? मतलब रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्ट रिएक्टेंस दिया है सीरीज में, ठीक है, उसका अगर हम पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट विल बी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ए, सोनल भी बोल रहे हैं ए, एक मिनट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए तो मुझे लग रहा है कि ए होगा। थोड़ा और ट्राई करिए आप लोग, थोड़ा और सोचिए।
ए नहीं लग रहा मुझे, ए के अलावा और कुछ कॉन्सेप्ट लगाइए ना, और कुछ कॉन्सेप्ट लगाइए, मुझे ए तो नहीं लग रहा है इसका आंसर, है ना। इतना सिंपल नहीं कर सकते हम इसको, ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा जैसा आप लोग सोच रहे हो ना कि 4 का अपोजिट के तो 0.25 हो जाएगा, 3 का इरिसिप्रोकल का तो 0.33 हो जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है यहाँ पे, कुछ और लगेगा। आप इसको ऐसे समझो ना, मैं बताता हूँ प्रॉपर क्वेश्चन को। जैसे आपके पास ये, आपके पास रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और ये आपका इंडक्टेंस है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 ओम है, तो इसका क्या बन जाएगा, 4 + 3j, ऐसा बनेगा ना, 3j बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जब मैं पैरेलल में जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1/4, है ना, ये बन जाएगा 1/4, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/3। इसका कितना आएगा, 4 + 3j, और इसका हम रेसिप्रोकल निकाल दो, 1 + 4 + 3j। सॉल्व करो एक बार, सब कोई एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। डिवाइड बाय नीचे 5 है, 4/5 और 3/5, क्या ये ऑप्शन में है, फाइव नहीं आएगा, 25 है, मैं भी तो मिस्टेक कर रहा हूँ, 5 नहीं आएगा, 25 आएगा, 16 + 5 = 25, अंडर रूट नहीं लगेगा। एक बार इसको सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है यार, 4/25 और 3/25, एक बार इनको ट्राई कर लो, अगर ये ऑप्शन में है तो ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग यही टिक करेंगे फिर। पच्चीस, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या हम लोगों को ऑप्शन में, कैलकुलेटर तो नहीं सही करता होगा, है उसमें नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं, अरे नहीं होगा उसमें, उतने छोटे बॉक्स में नहीं है कैलकुलेटर, बड़ा कैलकुलेटर है, दिख गया, दो बी है। चलो फिर, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, इसका करेक्ट आंसर हो गया था, इसका आंसर आपका बी होगा, ए नहीं होगा, ये मिस्टेक अब देखो हम लोग भी कर देते हैं ना, तो हमको समझना पड़ेगा चीजें क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, तो मतलब थोड़ा सा आपको समझना है प्रॉपर तरीके से, कॉन्सेप्ट भी मैच होना चाहिए आंसर का, जैसे आपने सॉल्व किया ना यहाँ पे, 4 का उल्टा का 0.25 आ गया, 3 का उल्टा का 0.33 आ गया, तो देखने में समझ में तो देखने में तो लग रहा है ठीक है। अरे आप ये समझो ना कि सीरीज में है तो क्या होगा, 4 + 3j, है ना, एडमिटेंस पूछा गया है ना, सीरीज में जो इम्पीडेंस होता है पैरेलल में वही आपका एडमिटेंस होता है, हाँ या ना, समझ में आई बात क्या बोला मैंने, तो बस मैंने वही किया कि सीरीज का क्या निकाल दिया पहले, 4 + 3j इम्पीडेंस, उसका मैं जो एडमिटेंस निकाल दूंगा या रेसिप्रोकल निकाल दूंगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, मतलब हमको कंडक्टेंस और सस्पेक्टेंस हम लोग इजिली बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी, ठीक है, बहुत वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बताओ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इन अ बैलेंस 3-फेज 4-वायर सिस्टम ऑफ पावर ट्रांसमिशन द फेज सीक्वेंस इज R/B, ठीक है, द फेज सीक्वेंस इज R/B, इफ द वोल्टेज अक्रॉस आर फेज इज 400 एट एन एंगल 0, द वोल्टेज ऑफ बी फेज इज, तीन फेज हैं, कौन कौन से फेज हैं, आर वाई बी, इनका फेज सीक्वेंस भी यही है, आर का फेज कितना है 4 एट एन एंगल 0, वाई कितना हो जाएगा 4 एट एन एंगल -120, और इसका हो जाएगा 400, क्यों, क्योंकि तो बैलेंस है, तीनों का वोल्टेज सेम होगा, इसलिए यहां पे इनका भी वोल्टेज 400 ले रहा हूं, 400 एट एन एंगल -240, या फिर उसको बोलते 400 एट एन एंगल 120। देखो भाई ऑप्शन में क्या है, क्या ये दो ऑप्शन में अवेलेबल हैं, क्या ये दो चीजें ऑप्शन में अवेलेबल हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी।
ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये कब देखने में क्या ही जाता है। क्वेश्चन बोला गया है, अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज अ इम्पीडेंस ऑफ 9 एट एन एंगल 30 ओम पर फेज। व्हाट इज इम्पीडेंस पर फेज ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार, क्या हो गया जा? तो सीधा कहाँ पे? वो है कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, चले जाओ डाल आराम, लो आराम से जाओ, आराम से बस बस नहीं, बस सीधा आराम से जाओ, आराम से भाई। तो क्या करना है, आपके पास डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा में दिया हुआ है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो इससे सिंपल क्या हो सकता है, डायरेक्ट से डिवाइड करो, है ना। अगर मान लो इन सभी का कितना है, 9 एट एंगल 30, ठीक है। अगर आपको इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, 9 एट एन एंगल 30 डिवाइड बाय 3। ये तो हम लोग बहुत पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, कितना हो, 3 एट एन एंगल 30, ऑप्शन सी। अच्छा आप लोग पहले आंसर कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग पहले आंसर कर चुके हो। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैग्नेट का एक शेप दिया हुआ इस टाइप का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में, ये मैग्नेट का एक शेप दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको हम कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, इसको हम कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आप सभी इसका सही आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर होगा हॉर्स शू मैग्नेट। ये मैग्नेट हम कौन यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, ठीक है ना। अगर हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपका जो बार मैग्नेट होता है वो इस टाइप का होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गया बार मैग्नेट। लेकिन ये आपका होता है जिसको हम थोड़ा कर्व बना देते, बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्वेश्चन क्या है देखो फिर से, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज आर ओ। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर ओ है। व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर अ मैक्सिमम करंट व्हिच इज 5 टाइम्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, इससे आपको पता है आरएसएच की वैल्यू बताए, तो आरएसएच क्या होता है आपका, आर एम अपॉन एम माइनस वन। एम क्या होता है, आई न्यू अपॉन आई ओल्ड। अगर हम सॉल्व करते हैं आपका आर डिवाइड बाय, ये उतना जाएगा कितना, 5 आई अपॉन आई माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन 5 माइनस 1, आर अपॉन 4, कितना हो जाएगा, 0.25 आर। बी इसका जो आंसर हो जाएगा 0.25 आर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, अच्छी बात, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। ये क्या बोल रहा है भाई, आज तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, कल मैंने डोज दिया है ना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे पिक करना, तो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। चलो तभी सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन इन द मेजर्ड क्वांटिटी ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसड्यूसर टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन इज। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी ट्राई करिए, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ इसको। द वेरिएशन इन द मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो जो हम लोग मेजर्ड, मतलब जो हमको वैल्यू मिलती है उसमें जो वेरिएशन आते हैं ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसड्यूसर टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन इज। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको प्रेशर मेजर करना है, तो सबसे पहले प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, और फिर उसको आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से क्या करोगे, रीड कर लोगे,
तो हमारी जो लास्ट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो मेजरमेंट आएगा उसमें वेरिएशन आएंगे, आगे पीछे वैल्यू होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हमने जो ट्रांसड्यूसर लगाया जो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा उसकी कुछ सेंसिटिविटी होगी, मतलब कुछ लोडिंग इफेक्ट वगैरह कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, उसकी वजह से कुछ एरर आएगी। टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन इज, इस टाइप की सेंसिटिविटी को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इंटरफेरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसिटिविटी। एनी प्लेन, एनी प्लेन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है हॉरिजॉन्टल के लिए, उसको हम यूज कर लें वर्टिकल के लिए, तो बोलो ना टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन, टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड से मान लो आप बोलते हो ना कि आपके जो ईएसबी इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपको वर्टिकल रखना पड़ता है, वैसा ना रख के आपने अदर प्लेन में यूज किया, ठीक है, मतलब आपने उल्टा कर दिया, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आपको हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए था उसको आपने वर्टिकल रखा, जिसको वर्टिकल रखना चाहिए उसको आपने हॉरिजॉन्टल रखा, डिफरेंट प्लेन में रखा, तो उससे हमारी मेजर्ड क्वांटिटी में वेरिएशन आएंगे। ऑब्वियसली बात है ना, जो चीज बोली गई है कि आपको इसको ऐसे यूज करना है, आपने उसको वैसा ना यूज करके दूसरे से यूज कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऐसा बोला गया कि इसको वर्टिकल रखना, लेकिन आपने उसको वर्टिकल रख के हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो उससे मेजर्ड क्वांटिटी में वेरिएशन आएंगे और जो हमारे ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी उसकी वजह से जो एरर आएगी, ठीक है, तो उस तरह के वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? तो क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएशन वर्ड डाला गया है ना, तो ये मुझे फोर्स कर रहा है द वेरिएशन इन द मेजर्ड क्वांटिटी, ये जो वेरिएशन है ना ये मुझे फोर्स कर रहा है किसकी तरफ, कि आंसर में कोई सेंसिटिविटी वाला आंसर आना चाहिए, सेंसिटिविटी वाला वर्ड कोई आना चाहिए, जहां तक मेरा आंसर लग रहा है इसमें वो होगा क्रॉस सेंसिटिविटी को मैं वेरीफाई करता हूँ कंटेंट डेवलपर से, क्योंकि मेरे पास आज यहाँ पे आंसर्स नहीं आए हैं इसके, हालांकि मेरे पास अलग से लिस्ट आ जाती थी डेली कि इसका आंसर है वेरिफिकेशन के लिए, आज नहीं है, तो मैं एक बार पहले मैसेज करके पूछ लेता हूँ, कॉल ही कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को गलत बताना भी गलत है ना, गलत बता दूं मैं आपको, 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। हेलो, क्वेश्चन नंबर 13 आपने रखा है यहाँ पे, जिसमें ये ट्रांसड्यूसर और ये वेरिएशन इन मेजर्ड क्वांटिटी वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? ओके, क्रॉस सेंसिटिविटी है ना, और ये आप इसका मुझे पीडीएफ भेज दीजिए ना, जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर का, तो भाई आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्रॉस सेंसिटिविटी ही है, तुक्का लग गया, ठीक है, ये आपका आंसर इसका क्या होगा, क्रॉस सेंसिटिविटी होगा, अपन ने वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा मैंने कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉइंट पकड़ा, वो ऐसा बोला कि ना टू एनी प्लेन अदर देन रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब आप ये समझिए कि जैसे एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, ठीक है, इसको मिला है क्या, इसको मिला मान लो MI का फोन, ठीक है, इसको मिला है आपको एप्पल का फोन, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उल्टा हो जाए, ए वाले को मिल जाए एप्पल और बी वाले को मिल जाए MI, यहाँ पे क्या बन रहा है, आप एक बार थोड़ा सा इसको चेक करो ना, क्या बन रहा है यहाँ पे, क्रॉस, ठीक है ना, तो मैं अपना कॉमन सेंस बता रहा हूँ, मैंने ऐसे क्वेश्चन को हिट किया, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है ना, मैंने कहीं पहले कभी पढ़ाया, लेकिन अगले सेशन से मैं इस क्वेश्चन को जरूर करा दूंगा, ठीक है, ठीक है भाई, इसका जो आंसर होगा वो क्या है, क्रॉस सेंसिटिविटी, अगर आगे कहीं फ्यूचर में आंसर आ क्वेश्चन आता है तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of the following fuel has least calorific value? इनमें से कौन से फ्यूल के पास सबसे कम कैलोरिफिक वैल्यू होती है, मतलब जलाने पे जो हमको हीट मिलती है कम मिलेगी? लकड़ी है ना, एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है, हाइड्रोजन है, इन सब के कंपैरिजन में हमारा सबसे कम किस में होता है? वुड में होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लकड़ी, वुड। सबसे ज्यादा किस में होता है, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो याद रखना आपका हाइड्रोजन है ना, ये आपका होता है यहाँ पे मैक्सिमम। सबसे ज्यादा किस में होता है? मैक्सिमम किस में होता है? हाइड्रोजन में। आपको एक बात बता दूं मैं, जैसे आपके पास जो कार वगैरह जो होती है ना, आज की डेट में आपके पास जो कार वगैरह होती है ना, तो उन कार में आपके पास जो फ्यूल डलता है, अभी तक क्या था पहले, डीजल या फिर पेट्रोल? गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर आया है कि डीजल को हमको बहुत थोड़ा सा अवॉइड करना है ना, छोटे मोटे वाहन में, तो डीजल को हटा दिया गया। अभी जनरली जो गाड़ी आ रही है क्या, पेट्रोल है ना। एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आगे चल के 2-3 साल में ये भी हट जाएगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास गाड़ी में फ्यूल के लिए, वो आएगा लिक्विड हाइड्रोजन। क्या आएगा? लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो डीजल से पेट्रोल, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जब हम लोग मूव करें तो कहां पे करेंगे? लिक्विड हाइड्रोजन पे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर स्टेशन, पावर प्लांट? कूलिंग टावर, ऑयल पंप, पेंट स्टॉप। अरे ये कहां से, तो आपका किसका होता है बताओ जरा, ये आपका हाइडल का पार्ट है ना, ये तो आपका हाइडल का पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। अ गैस टरबाइन पावर प्लांट इज बेस्ट सुटेड फॉर, अ गैस टरबाइन पावर प्लांट इज बेस्ट सुटेड फॉर बेस लोड, पीक लोड, इमरजेंसी पर्पज, नन ऑफ दीज। क्या बोलोगे? जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो एक चीज बताओ, जैसे मान लो आपका थर्मल पावर प्लांट, थर्मल, किसी ने कुछ हैंड रेस किया क्या? पंकज कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? बी आप आंसर बता रहे हैं, बी पीक लोड। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर है ना। इसका जो आंसर है वो बी है। आप ऐसा समझे, थर्मल पावर प्लांट है वो आपके होते बेस लोड प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो 24 घंटे काम करेंगे, हमको पावर सप्लाई करेंगे, वो होते हैं हमारे बेस लोड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सिर्फ जरूरत पड़ने पे हमको पावर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीक लोड प्लांट। उसको हम लोग इमरजेंसी पर्पज नहीं बोलते ना, इसको आप मत बोलना, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है ना आपके पास, उसको हम ऐसा बोलते ही नहीं है। इमरजेंसी मतलब जब पावर ज्यादा हो जाएगी, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीक लोड प्लांट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। पीक लोड्स के लोग यूज कर, इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, इमरजेंसी वर्ड इज रॉन्ग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। अरे बाप रे, आज न्यूमेरिकल ही एक क्वेश्चन तो आया। क्वेश्चन क्या है? अ जनरेटर डेवलप, एक जनरेटर है जो कि डेवलप कर रहा है 250 वोल्ट एंड हैज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम देन वॉट इज द इफिशियंसी ऑफ दैट जनरेटर? ओके, क्या किया जाए, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन बोलो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? देखो थोड़ा ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जाता है, ये मेरे पास एक क्या जनरेटर, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100, ठीक है, और जो मेरे पास लोड है, जनरेटर है, कितना इसका वोल्टेज है, 250 वोल्ट, लोड में कितना हुआ मैं आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 100 है, ये भी 100। तो पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, तो अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो बता सकते हो, नहीं बता सकते आप लोग, कितना हो जाएगा? 250 बाय
200। अरे यार कैलकुलेटर देखो घर दिया। बताओ जरा कितना आएगा आंसर? बी होगा क्या? 50%। क्या हो गया भाई इसको? 50%। कैसे सॉल्व कर लिया आप उतनी जल्दी यार? रटली हो गया आंसर? मैं इतना कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। कुछ अलग कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? कुछ अलग कॉन्सेप्ट है क्या? 1.25 करंट आ गई। मैं तो क्या करने वाला, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर करने वाला हूँ यार। 1.25 है ना, इसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका स्क्वायर किया इंटू 100 किया, ये आ गया पास आउटपुट पावर कितना आ रहा है? 156.25। ठीक है, मान लो ये आ गया पास क्या? पी आउट। मुझे चाहिए पी इनपुट, तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करेंट, तो 1.25 इंटू वोल्टेज ना 250। इतना लंबा लगा दिया मैंने क्वेश्चन को यार। दूसरा अप्रोच भी होगा, 1.25 इंटू 250 कितना आया ये? 312.5। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो। इफिशियंसी क्या होता है? पी इन अपॉन पी आउट। कितना है? 312.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा हो गया ना, 156। हाँ यार आप लोग का आंसर सही आ रहा है, 50%। अरे हाँ यार बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, बहुत बड़े दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत दिल खुश कर दिया आपने क्वेश्चन में लगा के। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से कितना इजीली क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व, है ना? मेरा ध्यान नहीं गया इस पे, है ना? अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर है, या फिर हम बोलेंगे सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर है, तो इफिशियंसी हमारी 50% होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा बी, 50%। तो हमने दोनों तरह से कर लिया ना, ऐसे भी कर लिया वैसे भी कर लिया, दोनों तरीके से मशीन की तरफ से मतलब कर लिया। अगर क्वेश्चन मशीन में आता तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया, क्या दिक्कत? लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना समझ पाए कि हाँ भाई इसका आंसर कैसे लगाएंगे। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर? आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की इसमें से कौन सी रेटिंग हो सकती है? 50 MVA, 100 MVA, 100 KVA, 500 MVA। बड़ा सिंपल सी बात है, पावर ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कनेक्ट होते हैं, मतलब कम रेटिंग वाला ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 100 KV। यहाँ पे क्या है? के है ना, बाकी सब में एम है, इसमें के है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर से आगे बढ़ते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में इफिशियंसी कैसी होती? दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं है ना, एक होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर के जो हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, इफिशियंसी पढ़ते हैं, वो होती है हमारी क्या? पावर इफिशियंसी। लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो हमको पता है कि पावर 24 घंटे तो अवेलेबल होगा नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी इफिशियंसी, या फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑल डे इफिशियंसी। इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑल डे इफिशियंसी, है ना? आपकी जो एनर्जी इफिशियंसी है उसी को हम बोलते हैं आपका ऑल डे इफिशियंसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, ए इज द करेक्ट आंसर। मेजर इंसुलेशन इन अ ट्रांसफॉर्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन द, हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो हम इंसुलेशन लगाते हैं वो इंसुलेशन कहाँ लगाते हैं? तो आपको पता होगा, जैसे मान लो ये आपका कोर है, ठीक है, ये कोर है, कोर के बाद यहां पे लगाते हैं हम लोग इंसुलेशन, फिर लगाते हैं हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग,
फिल लगाते हैं हम यहाँ पे क्या इंसुलेशन, फिर हम लोग लगाते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। तो जो इंसुलेशन ने कहाँ कहाँ पे लगाया, कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के पास बीच में, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, लो वोल्टेज और कोर, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो शुरू की जाएगी कल की क्लास में। ठीक है, आप सभी लोग थोड़ा सा रेगुलर रहिए, है ना। आप लोग बहुत बार क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा क्लास को स्किप कर देते हैं, तो उससे मेरा भी फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रॉपर फ्लो बना रहे, पूरी एनर्जी बनी रहे, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और 1 घंटे की बात रहती है तो 1 घंटे आप प्रॉपर टाइम से आ जाए करिए। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।